हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल स्मार्ट डीएक्स में। आज की जो वीडियो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैं आपको ऐसे जो आपके कैमरे के जो लेंस है उनके बारे में बताने वाला हूँ, जिनका यूज करके आप काफ़ी अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें बिना ना जाए। पहले के फ़ोन में आपने देखा होगा, पहले के फ़ोनों में एक कैमरा होता था, फिर धीरे धीरे दो कैमरा स्टार्ट होने हुए, फिर तीन कैमरे, फिर चार कैमरे, और आजकल तो मार्केट में आपको पांच पांच कैमरे वाले फ़ोन मिलते हैं। बट इन कैमरे का यूज़ क्या है, ये कौन कौन से लेंस है, इसके बारे में आपको मैं इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और जो हम फर्स्ट बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं डेप्थ सेंसर के बारे में। आपने बहुत सारी फ़ोटो कैप्चर करी होंगे जिसमें आपने देखा होगा कि जो आपकी बैकग्राउंड है वो ब्लर रहता है और आपका जो मेन ऑब्जेक्ट है यानी कि जिसमें आपने फोकस किया है वो क्लियर आता है। तो ये फ़ोटो हम डेप्थ सेंसर के मदद से ही कैप्चर कर पाते हैं, और इन फ़ोटोओं को हम पोर्ट्रेट मोड या बुके मोड कहते हैं। इसमें लेंस कैसे वर्क करता है कि जो हमारा मेन कैमरा होता है वो हमारे ऑब्जेक्ट यानी कि जिस पर हमने फोकस किया है उसे कैप्चर करता है, और जो डेप्थ सेंसर होता है वो हमारे बैकग्राउंड पर कैप्चर करता है। इससे क्या होता है, जो दोनों का कॉम्बिनेशन बना के हमको काफ़ी अच्छी फ़ोटो देता है, जिसे हम बुके मोड या पोर्ट्रेट मोड कहते हैं, जिससे हमारे जो बैकग्राउंड है वो पूरा ब्लर हो जाता है और हमको काफ़ी अच्छी फ़ोटो मिलती है। सेकंड हम बात करने वाले वो हम बात करने वाले अल्ट्रा वाइड लेंस के बारे में। जब भी आप कोई ग्रुप फ़ोटो कैप्चर करते हैं तो आपने देखा होगा कि या तो हमको खुद पीछे होना पड़ता है या तो हमको अपने फ्रेंड लोगों को बोलना होता है कि आप थोड़ा पीछे हो जाओ, आप एक फ्रेम में नहीं आ पा रहे हो। तो इस टाइम पर हमको नॉर्मल मोड से फ़ोटो कैप्चर ना करने के बजाय हमको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से फ़ोटो कैप्चर करनी चाहिए। इस लेंस की मदद से हम काफ़ी बड़ा एरिया कवर कर लेते हैं, जिसपे हमें खुद को बिना आगे पीछे किए हम फ़ोटो कैप्चर कर लेते हैं। उसी तरह अगर आप किसी बड़े एरिया की फ़ोटो कैप्चर करना चाहते हैं तो आपको इस लेंस का यूज करना चाहिए, चाहे वो आप किसी माउंटेन की फ़ोटो खींच रहे हो या किसी ऐसे प्लेस की जो काफ़ी बड़ा है और आपको सिंगल फ्रेम में उसको कैप्चर करना है, तो आपको अल्ट्रा वाइड लेंस का यूज करना चाहिए। इससे आपका काफ़ी बड़ा एरिया कवर हो जाएगा, काफ़ी अच्छी फ़ोटो आएगी। और जो हम सेकेंड बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं टेलीफोटो लेंस के बारे में। आपने देखा होगा क्रिकेट के फील्ड में जो फोटोग्राफर है वो पहाड़ से बैठ के जो प्लेयर्स की काफ़ी क्लोज फ़ोटो कैप्चर कर पाता है वो काफ़ी क्लियर होती है। ये सारी फ़ोटो वो टेलीफोटो लेंस की मदद से कैप्चर कर पाते हैं। यही लेंस आपको अपने फ़ोन में भी मिलता है, बट ये उतना अच्छा वर्क नहीं कर पाता जितना DSLR वर्क करता है, बट ये काफ़ी अच्छा शॉट ले लेता है। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की फ़ोटो कैप्चर करनी है क्लोज में, इसमें आपको ऑप्टिकल जूम मिलता है जिसकी मदद से जो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपके क्लोज आ जाएगा और आप काफ़ी अच्छा शॉट ले लेंगे, जिससे आपका जो ऑब्जेक्ट है उस पर फोकस रहेगा और जो बैकग्राउंड है वो आपका ब्लर आएगा और आपको काफ़ी क्लोजअप शॉट है वो काफ़ी क्लियर मिलेगा। तो टेलीफोटो लेंस की मदद से ही हम इस फ़ोटो को कैप्चर कर पाते हैं। और जो नेक्स्ट बात करने वाले हो हम बात करने मैक्रो लेंस के बारे में। मैक्रो लेंस का यूज उन लोगों के लिए होता है जिनको फोटोग्राफी का शौक होता है। अगर आपको काफ़ी छोटी चीज़ की क्लोजअप शॉट लेना है तो ये लेंस उनके लिए बहुत काम आने वाला है। आप किसी छोटी सी चीज़ को अगर नॉर्मल फ़ोन से या नॉर्मल फ़ोन के मोड से कैप्चर करोगे तो आप जैसे उसके क्लोज जाओगे आपकी जो फ़ोटो है वो ब्लर हो जाएगी। बट अगर आप मैक्रो लेंस की मदद से अगर फ़ोटो कैप्चर करते हो तो आप काफ़ी क्लोज जाके और छोटी सी चीज़ का भी काफ़ी अच्छा शॉट ले लोगे। तो ये काफ़ी अच्छा है उन लोगों के लिए जो लोगों को फ़ोटोग्राफी का शौक है या जिन्हें छोटी चीज़ों का क्लोजअप शॉट लेना है, ये लेंथ उन लोगों के लिए काफ़ी मदद करता है। और जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं मोनोक्रोम लेंस के बारे में। ये लेंस आपको बहुत कम फ़ोनों में देखने को मिलेगा, बट ये काफ़ी यूजफुल लेंस है। इसका यूज आपको ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो कैप्चर करने में कर सकते हैं। ये जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो कैप्चर करता है, इसका रीज़न ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा लाइट अब्जॉर्ब करता है और ये कलर को अब्जॉर्ब नहीं करता, जिसकी वजह से आपको ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो मिलती है और काफ़ी डिटेल वाली फ़ोटो मिलती है। ये मेन कैमरे और आपका जो मोनोक्रोम लेंस के मदद से जो फ़ोटो कैप्चर करता है इसमें आपको डिटेल देखने को मिलेगी और जो कलर है वो आपको ब्लैक एंड वाइट देखने को मिलेंगे। और बात करते हैं इसमें आपको नॉइज़ है वो काफ़ी कम देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से फ़ोटो काफ़ी शानदार हो जाती है। और एक चीज़ हमेशा याद रखें, जब भी आप कोई फ़ोटो कैप्चर करते हैं तो आपको जो लाइट है
वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए वो फ़ोटो कैप्चर करते टाइम, जिसकी वजह से आपको जो काफ़ी अच्छी डिटेल मिलेगी और जो फ़ोटो की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी मिलेगी आपको। तो हमेशा याद रखें लाइट का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूले, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि जो मेरी नई वीडियो है वो सबसे पहले आपको मिल जाए। और तब तक के लिए धन्यवाद।